राष्ट्रपति मुर्मू ने 18वीं लोकसभा के तहत गुरुवार को संसद के संयुक्त सत्र को संबोधित किया। संयुक्त सत्र को संबोधित करने के लिए वो जैसे ही एक बार फिर राष्ट्रपति भवन से अपने काफिले के साथ निकली तो उनकी कार और अन्य काफिले एक बार फिर आकर्षण का केंद्र बन गए। आपको बता दें कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की कार दुनिया की सबसे सुरक्षित कारों में से एक है। आज हम आपको द्रौपदी मुर्मू की कार और उनके काफिले से जुड़ी कुछ अहम जानकारियाँ आपसे साझा करने जा रहे हैं। नमस्कार, सलाम, मैं हूँ आपके साथ सामिया खान और आप देख रहे हैं इन खबर। अगर बात राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की ऑफिशियल कार की करें तो ये मर्सिडीज मेबैक S600 गार्ड की ये कार अपनी सेफ्टी फीचर के लिए दुनिया भर में जानी जाती है। यही वजह है कि इसे एक अभेद किले की तरह भी माना जाता है। इस कार को दुनिया भर में लैमोजीन के रूप में भी जाना जाता है। ये कार कितनी सुरक्षित है इसका अंदाज़ा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि इस पर ना तो गोलियों का, ना ही बम और ना ही गैस अटैक का असर पड़ता है। इस कार में बुलेट प्रूफ अलॉय व्हील, प्रिवेंट शील्ड्स और ऑटोमेटेड लॉक कंट्रोल, ऑक्सीजन सप्लाई, पैनिक अलार्म सिस्टम और अटेंशन असिस्ट जैसे कई अहम फीचर्स भी हैं। इस कार में VR9 लेवल का बैलिस्टिक प्रोटेक्शन भी दिया गया है। भारत के राष्ट्रपति के सुरक्षा का जिम्मा राष्ट्रपति के अंग रक्षक, जिन्हें हम प्रेसिडेंट बॉडीगार्ड यानी PBG के नाम से भी जानते हैं, उनके हवाले से होता है। इनका अपना एक अलग रेजिमेंट भी होता है। इस रेजिमेंट में सेना के विभिन्न टुकड़ियों से जवानों को लिया जाता है। इसके बाद इन्हें विशेष तौर पर प्रशिक्षण भी दिया जाता है। इस रेजिमेंट का हर एक जवान पैराट्रूपिंग से लेकर तमाम विधाओं में दक्ष होते हैं। इस रेजिमेंट की सबसे बड़ी पहचान है इनके खूबसूरत घोड़े। आपको जानकर हैरानी होगी लेकिन राष्ट्रपति के काफिले में जो घोड़े शामिल किए जाते हैं वो जर्मन नस्ल के होते हैं। सेना में एकमात्र ऐसी नस्ल होती है जिसे लंबे बाल रखने की इजाज़त होती है। इस नस्ल के घोड़ों के अलावा किसी दूसरे नस्ल के घोड़ों को लंबे बाल रखने की इजाज़त बिल्कुल भी नहीं होती। बहरहाल, आपको ये जानकारी कैसी लगी हमें कॉमेंट्स करके ज़रूर बताइए और ऐसे ही तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए इन खबर।